कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ढाबे नहीं होते तो क्या होता। ढाबे नहीं होते तो हमारे कितनी खानों की यादें ही नहीं होती हैं। आज भी मुझे याद है, कोई भी कहता है चिकन मसाला तो बोलता नहीं, वो ढाबे जैसा चिकन मसाला होना चाहिए, दाल वो ढाबे वाली दाल होनी चाहिए, है ना, वो दाल तड़का। तो जी दाल तड़का तो ढाबे वाले हम बना चुके हैं, लेकिन मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आया कि अभी तक ढाबे वाला चिकन मसाला हमने बनाया नहीं है। तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, आज हम बनाएंगे ढाबे वाला चिकन मसाला। और ये रेसिपी आप पनीर के साथ ही बना सकते हैं और कटहल के साथ ही बना सकते हैं, ठीक है जी। पहले ही बता दिया मैंने सब्स्टिट्यूट्स, मिलते हैं म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। सबसे पहले एक मसाला बना लेते हैं जो काम तो बाद में आएगा लेकिन ज़रूरी बहुत है। तो काली मिर्च, जावित्री और जीरा और धनिया, धनिया ज़्यादा नहीं। पहली बार रणवीर बोल रहा है धनिया ज़्यादा नहीं, उसका मतलब आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ओके, धनिया हम यूज़ करेंगे, लौंग हम धनिया जो है वो दबा के यूज़ करेंगे चिकन भूनते टाइम। तो यहाँ जो है वो सिर्फ बॉडी और खुशबू वाले मसाले। मेन क्या है, काली मिर्च, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब क्योंकि इसे मिक्सी में पीसूंगा मैं, इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा ओवर नहीं भूनूंगा। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गई। हल्का सा नमक डाल दिया, नमक मैं इसलिए डालता हूँ ताकि मसालों का जो तापमान है वो इवन आउट हो जाए। सॉल्ट एक मीडियम बना लेता है ना, तो मसाले लगते नहीं हैं। दूसरा, जब ये पिसेगा तो नमक जो है वो एक्स्ट्रा फ्लेवर खींच लेगा मसालों का। तो कोशिश करें कभी भी मसाले भूने तो नमक डाल दें साथ में, और नमक के साथ ही पीसें उसको। तो जी ये तो हो गया पार्ट वन, ठीक है। पार्ट वन जो पिसेगा और लास्ट में पड़ेगा। अब बाकी का काम करते हैं। सबसे पहले चिकन, चिकन के मैंने बड़े बड़े पीसेस काटे हैं। जब आप चिकन मसाला बोलते हैं ना तो उसको स्टार्टर की तरह खाते हैं, राइट। आप उसको खाते हैं चपाती के साथ, तो उसमें आपको जो है वो बड़े बड़े पीसेस चाहिए। अगर बहुत ही बड़े पीसेस हैं तो आप चाहें तो चिकन के अंदर फोर्क से ऐसे होल कर सकते हैं ताकि जो फ्लेवर है उसके अंदर चला जाए, लेकिन पीसेस छोटे मत करिए। अभी इसके अंदर गया नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, देगी मिर्च और नींबू। चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर सिरका। सिरका जो है वो फिर भी गोश्त वोश्त में फिर भी चल जाता है, चिकन के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेमन, सिरका, ये जो सारी चीज़ें हैं चिकन को टेंडर कर देती है, नाजुक कर देती है, नरम कर देती है, इसलिए डाला जाता है। और लास्ट में थोड़ा सा तेल, जो तेल आपको अच्छा लगे वो डाल दीजिए। अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं तो सरसों का तेल भी डाल दीजिए। अब जो है प्याज, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नो चिकन मसाला विदाउट प्याज। चिकन के अंदर अगर चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, बट वो ढाबा स्टाइल नहीं होगा जी, फिर वो नखलऊ स्टाइल हो जाएगा, ठीक है जी। ढाबे में जो है वो प्याज टमाटर का काम ज़्यादा होता है, तो हम भी यहाँ पर प्याज टमाटर स्टाइल में ही काम करेंगे। हेलो जी, थोड़ा तेल या थोड़ा घी या थोड़े दोनों, ठीक है जी। अब चिकन मसाले में अगर ऊपर तेल ना आए लवालब तो फिर वो चिकन मसाला कैसे हुआ, तो इसलिए एक्सक्यूज मी इन एडवांस। अब तो बहुत ही सिंपल है जी, इतना सिंपल है कि आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप बन जाएगा। गरम तेल में गया जीरा। हेलो जी, ऐसी आवाज़ आई ना तो इसका मतलब प्रोग्राम ठीक है। और प्याज, कोई खड़ा मसाला नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिर्फ जीरा और प्याज। ये मसाले को बनने में लगेगा वक्त, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो चिकन है उस चिकन को अलग से सेक लें, गरम गरम पैन पे सेक के, और लास्ट मिनट में इसके अंदर डाल के फिनिश कर दें। उस केस में तो आप मसाला लगभग पूरा तैयार कर लीजिए,
लेकिन अगर आप मसाला पूरा नहीं तैयार करना चाहते हैं और चिकन को इस मसाले के साथ में पकाना चाहते हैं, तो उसमें इस प्याज के पकने की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, यानी कि अगर प्याज ज़्यादा पक गया और फिर आपने चिकन डाला तो चिकन अपना पानी छोड़ देगा, रंग खराब हो जाएगा, चिकन कच्चा रह जाएगा। अगर प्याज कम पक गया, आपने चिकन डाल दिया, तो चिकन मसाला में मसाला अच्छा बनेगा नहीं, कच्चा कच्चा मसाला रहेगा और चिकन पक जाएगा। मसाले को और चिकन को दोनों को एक साथ पकाना है। अगर आप दोनों को एक साथ पका रहे हैं तो वो इसकी मोनोपोली है। अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं नहीं नहीं भैया टू मच रिस्क है, ऐसे रणवीर डिटेल में समझा रहा है ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो आप चिकन को अलग से तेल में ग्रिल कर लीजिए। ऐसे ग्रिल करिए कि बाहर से अच्छा सा रंग आए, 50% चिकन जो है वो एक पैन में अलग से तेल में पक जाए। डीप फ्राई नहीं करना, ऐसे उसको बस पलटना है, सौते करना है, कुक करना है, और जब वो वहाँ पे 50% कुक हो जाए तो आपका मसाला जैसे ही फिनिश हो उसके अंदर वो वाला चिकन डाल दीजिए और दोनों को ढक्कन लगा के पका दीजिए। वो वाला है ईजी स्टेप। ठीक है जी, कि सब कुछ अलग अलग पक रहा है, लेकिन उसमें क्या, चिकन के अंदर वो मसाले का फ्लेवर नहीं जाएगा। चिकन के अंदर मसाले का फ्लेवर तभी जाएगा जब चिकन और मसाला एक साथ पकेगा। तो मैं वो वाला आपको तरीका दिखा रहा हूँ, लेकिन दूसरा मैंने बता दिया। देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा मसाला कच्चा रह गया या हमारा चिकन कच्चा रह गया, रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, है ना। बार बार रणवीर आप बोल रहे यार क्या है रणवीर भाई, समझ में आ गई बात। जब आप बनाने जाओगे ना और गड़बड़ होगी फिर मैं बोलूँगा। देखा, मैं बोल रहा था ना 10 बार वही गड़बड़ वही गड़बड़। धनिया पाउडर, हल्दी, देगी मिर्च, अब ये सारे मसाले जो हैं वो यूँ भून लेने चिकन के साथ। बस यही फ़र्क है, अगर आप चिकन को अलग से फ्राई करेंगे तो ये वाला मज़ा नहीं आएगा। मसाले चिकन के साथ भुनने का, कुछ मसालों में चिकन का फ्लेवर, कुछ चिकन में मसाले का फ्लेवर, वो चीज़ नहीं होगी। उसके बाद थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी और भुनाई चालू रखनी। क्या बात, भुनाई बंद नहीं होनी चाहिए। ये लो, मैंने कहा था ना कि धनिया पाउडर की कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। गरम मसाले में कम डाला तो क्या हुआ। ये गई फ्रेश टमाटो प्यूरे, चॉप टमाटर भी डाल सकते हैं आप। ये ताज़े टमाटर को मिक्सी में घुमा दिया बस। अभी डालना है थोड़ा सा पानी, थोड़ा मतलब बस इतना पानी डालना है कि अभी तक जो मसाले अलग अलग हैं वो एक साथ जुड़ जाएं, सारे फ्लेवर्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएं। बस चिकन करी नहीं बनानी, बनाना चिकन मसाला ही है, वो भी ढाबे वाला, इसलिए पानी ढेर सारा नहीं डालना जग से, थोड़ा सा कप से। हेलो जी, मसाला जो है ना वो ऐसे ऐसे गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा तो खैर भाई और पकेगा तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। जब आप चिकन लें तो प्लीज़ ऐसा जंबो चिकन मत लीजिएगा। अब ये मसाला जो है, जो हमने बनाया था, ये पिस गया, ये देखिए ये ऐसा है। और कसूरी मेथी, नाइस। अभी क्या है, जो मसाले हैं, जो पाउडर मसाले डाले हैं, वो अपना जायका छोड़ेंगे धीरे धीरे, और जो हमारा प्याज टमाटर का मसाला है उसमें वो सारे फ्लेवर्स मिक्स होंगे। इसलिए लास्ट बॉयल देना बहुत ज़रूरी है, आखिरी बार तेल छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और याद रखिए चिकन करी नहीं है, ये चिकन मसाला है, वो भी टप बड़ा। चलो जी, प्लेटिंग करें। अंत में हमारा प्रिय मित्र धनिया। आपके शहर में रोजाना 400 ईस्टमैन कलर, धनिया धनिया धनिया। और जब ये साइड से ना, अगर आपका चिकन मसाला साइड से पानी छोड़ रहा है
तो गलत है, लेकिन साइड से तेल छोड़ रहा है तो सही, वो एक और पहचान। जब आप मसाले को रखते हैं और साइड से वो तेल छोड़ता है, इसका मतलब चिकन मसाला अच्छा है, और साइड से वो ग्रेवी का पानी छोड़ता है, इसका मतलब चिकन मसाला खराब है। इसी के साथ आज की ढाबा स्टाइल चिकन मसाले की सभा समाप्त होती है। अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।